क्या स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग मैंने लिखा है और एक पुलिस जाबाज लेडीज पुलिस वाले की कहानी है। जैसा कि आप सब लोग देखे ही ट्रेलर में, पिक्चर आज ट्रायल रखा हुआ है, बड़ा अच्छा ट्रायल है। जैसा लिखा गया था वैसा ही शूट हुआ है। इसका म्यूजिक यश कुमार जी ने बहुत अच्छा दिया है, म्यूजिक अच्छा है, एक्शन अच्छा है, कैंटेन अच्छा है। जो कैंटेन स्क्रिप्ट में बनी थी वही कैंटेन दिलीप गुलाटी जी ने शूट किया है, वैसा ही अच्छा लगा। के रूप में लग के आपने ये कहानी लिखी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह थी उनके पूरे पर्सनालिटी के बारे में एक्ट्रेस ऐसे में अच्छा अच्छा लगा। अजय देवगन जी का एक आया था सिंघम, तो ए और ए लेडी सिंघम, तो वैसा ही किरदार था जाबाज बहादुर पुलिस वाले का, तो लेकिन वो महिला प्रधान था। अच्छा। तो रानी ने उस किरदार को बहुत अच्छा निभाया, रानी चटर्जी जी ने बहुत अच्छा किया है, उस करेक्टर को जिया है पूरा। शक्ति कपूर जी का करेक्टर एक दलाल का था, इस दलाल में राज बब्बर का एक करेक्टर था, तो ये भोजपुरी में वैसा ही करेक्टर था इनका, दलाल का, शक्ति कपूर का भैया जी का, तो वो भी करेक्टर बहुत अच्छा है और उन्होंने अच्छे से निभाया है, कहानी के साथ न्याय हुआ है। तो क्या कितना जरूरी है अच्छा कहानी लिखना, अगर फिल्म अच्छी बनानी तो अच्छा कहानी होना बहुत जरूरी है, और वो चीज़ हिंदी फिल्म हो या कोई भी इंडस्ट्री हो लैक कर रहा है, अच्छे राइटर मिल नहीं रहे, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर उसका बहुत सारा कारण है, हमारी भोजपुरी में टाइम नहीं है। अभी लेडी सिंघम मैंने एक महीने में लिखी है, अब हिंदी में जैसा आप लोग जानते हो लगान थ्री इडियट्स तीन तीन साल में लिखते हैं, तो सर समय और उसका जो ज़्यादा समय देकर के कहानी पे लिखा जाएगा, थ्री ड्रॉप लिखे जाते हैं, यहाँ एक ही प्लॉट ओके हो गया और लेकर के शूट पे चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। अगर हमें भी टाइम दिया जाए 6 महीने का तो हम भी अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं सर, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हमें। फीस के हिसाब से भी देखा जाए तो फीस तो सर अगर कमाना होता तो मैं पुलिस में था, गुजरात पुलिस में, रेलवे में, हाँ तो हुआ था मेरा भर्ती, मैं छोड़ दिया, तो पैसा कमाने के लिए आए, हॉबी के लिए आए हैं। तो फिर भी क्या करना चाहिए, इतना योगदान होता है लेखक का किसी भी फिल्म में, पैसा तो मिलना चाहिए ना अच्छा खासा। हाँ लेकिन भोजपुरी में एक काम छोड़ता है तो दूसरा बैठा हुआ है, 25,000 वाले भी राइटर हैं, फिर भी हम लोग तो अच्छा ले लेते हैं। अभी जैसे चर्चा की थ्री डेट के बारे में, उसके राइटर को 3 करोड़ दिया है उसके प्रोड्यूसर ने, तो क्या कहना चाहेंगे सर? यार तो मिलना चाहिए सर वही तो, हाँ जो आप कह रहे हैं हमारे राइटर एसोसिएशन का जो लॉ है, राइटर एसोसिएशन का संविधान है, वो 5 लाख का है कि राइटर का रीजनल फिल्म का 5 लाख होना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता सर, एग्रीमेंट में जो बात होती है वो नहीं मिलती है, ऐसे विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर भी आगे क्या चाहेंगे, किस तरह की फिल्म लिखें, कैसी कहानी आपके दिमाग में चल? अभी एक फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लाखों में कमर भौजी, और एक भोजपुरी एल्बम हिंदी एल्बम करने जा रहा हूँ लहरें, अभी एक मेरी और रिलीज होने जा रही है अजय दीक्षित की लालिश, तो कहानी साफ सुथरी बने, अभी तो अच्छी कहानियाँ क्यों जरूरत है इंडस्ट्री को, क्योंकि थिएटर बहुत जीरो हो गया है, तो अच्छी फिल्म बनेगी तो दर्शक वापस आएंगे थिएटर में, दर्शकों को वापस आना बहुत ज़रूरी है हमारा भोजपुरी को जिंदा रखने के लिए, दर्शक थिएटर से जा चुके हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.